नमस्कार सत श्रीकाल एंड हैप्पी फ्राइडे वंस अगेन दिस वीक आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ क्वेरीज विच वी आर रिसीविंग इट स्पेशली इन रिलेशन टू अवर अवर वीडियोज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट या सेंट्रलाइज क्वेश्चन जो हमें बार बार आ रहा है तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उस जरिए इस वीडियो के जरिए हम उसके बारे में बात करें तो मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल है कि अगर हमने यूके के लिए कोई भी फाइल लगानी है क्योंकि पहले ही वीडियो में हमने स्टूडेंट्स की बात की उसके बाद हमने विस्टर की बात की नॉट अबाउट द विस्टर वीजा फॉर दिस फाइल या फिर हमने वर्क परमिट की बात की तो एक ही सवाल लोग पूछते हैं कि हम अगर यूके के लिए अगर यूके की हम इमीग्रेशन uh, के लिए कंसिडर करने करना चाहें अपने आप को तो वट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट सो सो आज का जो टॉपिक है हमारा कि अगर आपको यूके की लिए अपने प्रोफाइल को तैयार करना है तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होनी चाहिए सो योर आंसर इज कि अगर आपको यूके के लिए प्रोफाइल तैयार करनी है तो स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कि आपको आइलेट्स का एग्जाम देना है और आइलेट्स का एग्जाम देना इट इट ड कि आइलेट्स का एग्जाम देना है तो मिनिमम टू मिनिमम बैंड जो आपको चाहिए इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज दिक्स बैंड्स सिक्स बैंड कई कंडीशन के अंदर नॉट लेस देन फाइव पॉइंट फाइव बैंड मतलब फाइव पॉइंट फाइव बैंड से कम हो ही नहीं सकता uh, uh, आपकी प्रोफाइल शायद कंसिडर ना की जाए uh, अगर आपको डॉक्टर uh, या मेडिकल प्रोफेशन के अंदर आना है एज ए डॉक्टर आना है या नर्स आना है तो uh, जो बैंड्स की रिक्वायरमेंट है इट इंक्रीज टू द सेवन बैंड्स क्योंकि uh, उस लेवल की सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं सो एज ए स्टूडेंट अगर आना है सेटलमेंट के लिए आना है तो अगर कोई भी रूट है तो इंग्लिश लैंग्वेज इज मस्ट तो आई बिलीव पर्सनली आपको इस uh, जो आपका सेंट्रलाइज या स्टार्टिंग पॉइंट का सवाल है वो यहाँ से क्लियर होता है कि अगर यूके के लिए आपको अपने प्रोफाइल को कंसिडर करना है तो आइलेट्स का एग्जाम बहुत ज़रूरी है आपके पास देखें डिग्री है आपके पास किसी भी लेवल की आपके पास एक्सपीरियंस है सो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑलरेडी होल्डिंग इट विद यू ठीक है बट जब आप किसी भी स्पेशली वेस्टर्न कंट्री के लिए अगर आप uh, अपने प्रोफाइल को uh, बताना चाहते हैं तो तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज का होना चाहिए जैसे मैंने बोला है कि आईलेट्स एग्जाम्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ठीक है तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको इस बात का आंसर मिला होगा तो नेक्स्ट फ्राइडे अगर समय मिला तो वी विल डिस्कस द फर्दर रिक्वायरमेंट्स तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू